तो यार सीधी सी बात है, एनीमे कोई नई चीज नहीं है। ये तब भी था जब हम दूध पीते बच्चे थे और अब भी है। फर्क बस इतना है कि अब हम इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं। बचपन में जाने अनजाने में हमने कितने ही एनीमे एंजॉय किए। दैट शेप्ड और चाइल्डहुड यहाँ आपकी सेवा में हाजिर है। एग्रेसो एंड एनीमे 7, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए करने के लिए। सो कोनिचिवा ओटाकू। सो इस वीडियो में हम सारे के सारे चाइल्डहुड एनिमे को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा एनिमे को इस वीडियो में इंक्लूड करने का। इसलिए बचपन की यादों में चलो पहन के नॉस्टैल्जिया का चश्मा और लेट्स डाइव इन। एंड अगर फ्यूचर में हमारी इस वीडियो को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो ऑब्वियसली हम इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे। एंड अगर तुम लोग सेकेंड पार्ट की वीडियो का लिंक मिस नहीं करना चाहते हो तो अग्रेसो एनिमे एंड एनिमे 7 को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुम सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 1, कोचिकामे। कोचिकामे मेरा बचपन से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो रहा है। इंडिया में इसे टेलीकास्ट किया गया था ऑन हंगामा टीवी फ्रॉम 16 June 1996। एंड एज ए किड मुझे घंटों तक रुकना पड़ता था इसका एक एपिसोड एंजॉय करने के लिए, क्योंकि उस समय यानी कि 2009 में इसका एक ही एपिसोड टेलीकास्ट हुआ करता था ऑन डिज्नी XD। स्टोरी का प्लॉट बिल्कुल सिंपल है। स्टोरी रिवॉल्व होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट रोयोत्सु के डे टू डे एडवेंचर्स के बारे में एंड कैसे वो उन मुश्किलों का सामना करता है। एंड अगर आप अभी इसे देखना चाहते हैं तो इसे PS Map नाम के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। सो इस लिस्ट में जो दूसरा एनिमे है उसका नाम है ड्रैगन बॉल जी। एंड इंडिया में एनिमे कभी भी टेलीकास्ट हुआ हो आज तक इसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बच्चों से लेकर टीनेजर तक हर कोई इस एनिमे को पसंद करता है। एंड ड्रैगन बॉल जी का काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडिया में एनिमे को इंट्रोड्यूस कराने का। एंड ड्रैगन बॉल जी इतना ज्यादा पुराना एनिमे है कि बहुत सारे एनिमे इससे इंस्पिरेशन लेते हैं एंड इस एनिमे ने एक मॉडल दिया है फॉलो करने के लिए। एंड ड्रैगन बॉल्स के पावर लेवल एंड उसके पावर सिस्टम वन ऑफ दी बेस्ट है। बहुत सारे मॉडर्न डे शोनन एनिमे जो कि आजकल रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेते हैं ड्रैगन बॉल जी से। एंड वन ऑफ दी लेजेंडरी शोनन एनिमे विच इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट्स व्हाई ड्रैगन बॉल जी इज एपिक। नंबर 3, नारुतो। नारुतो को इंडिया में टेलीकास्ट किया गया था बाय एनिमैक्स एंड कुछ एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए थे ऑन हंगामा इन हिंदी डब एज वेल। नारुतो का कंटेंट भले ही ऑसम था बट ड्यू टू लैक ऑफ TRP शो को हटाना पड़ा था। नारुतो ऐसे समय पर टेलीकास्ट किया गया था जब शिटी शोज लाइक बालिका वधू वर ऑन 9th Cloud एंड प्रोबेबली लोगों को उस समय एनिमे और कार्टून्स में का डिफरेंस पता नहीं था। But thanks to Naruto for making our childhood unforgettable. So, चौथे नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है परमैन। शायद एक भी यहाँ पे ऐसा बंदा ना हो जिसने परमैन का कभी नाम या फिर कभी भी इसके एपिसोड्स ना देखे हो। परमैन चाहे स्मॉल एज ऑडियंस को टारगेट करता हो बट पुराने दिनों में इसने हमें बताया है कि सही और गलत में आखिर में फर्क क्या होता है। एंड whenever आई फील nostalgic, मैं कभी कभार इसके एनिमे देखना शुरू कर देता हूँ एंड इसके तुम कोई भी एपिसोड देख लो, ऑल ऑफ देम आर जस्ट ऑसम। एंड अगर तुम भी कभी कभार इस एनिमे उठा के देख लेते हो कहीं से भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि तुम लोगों को ये एनिमे पसंद है कि नहीं। नंबर 5, घोस्ट स्टोरीज। घोस्ट स्टोरीज के कुछ एपिसोड हिंदी में डब किए गए थे एंड टेलीकास्ट किए गए थे ऑन हंगामा एंड ZX। जिन लोगों को ZX के बारे में पता नहीं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ZX एक चैनल था जिस पर कई सारे एनिमे टेलीकास्ट किए गए थे इंक्लूडिंग ड्रैगन बॉल एंड नारुतो। सो बैक टू घोस्ट स्टोरीज, माना जाता है कि इसका इंग्लिश डब सबसे अच्छा था एज कम्पेयर टू द जैपनीज डब। घोस्ट स्टोरीज वॉज रियली अ डैम गुड शो। अगर आपको इस एनिमे को देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा। यू कैन वॉच इट ऑन YouTube इन इंग्लिश एंड एज वेल एज हिंदी डब। सो इस लिस्ट में छठे नंबर पे जो एनिमे है उसका नाम है बेबलेट जी रेवोल्यूशन। एंड भला कौन बंदा इस एनिमे को भूल सकता है। बेबलेट को 2005 में एयर किया गया था ऑन इंडियन टेलीविजन एंड देखते ही देखते इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एनिमे इन 2010 एरा। एंड इस एनिमे के पागलपन के पीछे हमने बहुत सारे बेबलेट्स खरीदे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ बेबलेट फाइट्स की हैं। मैंने ऑब्वियसली बहुत सारी बेबलेट्स खरीदे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ फाइट्स भी की हैं एंड अब मुझे पता चलता था कि वो चीजें कितनी ज्यादा यूजलेस हैं। एंड अपने बेबलेट को किसी भी बेबलेट के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट भी जरूर किया है। एंड बेबलेट टॉट अस दैट एवरी पर्सन हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक्स हिम स्पेशल। नंबर 7, किक बटोस्की। बीइंग एन अमेरिकन कार्टून किक हमें कई सारी चीजें सिखा गया।
किक टॉट अस टू टेक रिस्क इन आवर डेली लाइफ। किक बोटोस्की को एयर किया गया था ऑन डिज्नी एक्सडी इन 2008। किक बोटोस्की का हर एपिसोड 20 से 25 मिनट का रहता था, जिसमें हमें उसके डेली लाइफ एडवेंचर्स के बारे में दिखाया जाता था। स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स थे कंधर, ब्रैट, कुट्टे वाली वो घमंडी बुड्ढी, एंड आज भी कभी कभी मैं इसके एपिसोड देख लेता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। सो 8 नंबर पे जो एनिमे है वो सबका फेवरेट है, लाइक जो भी चाइल्डहुड हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे किसी भी एज में हो, ये एनिमे सबका फेवरेट है, एंड इसका नाम है शिनचैन। बिकॉज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये हर बच्चे का फेवरेट एनिमे बन चुका था, ऑब्वियसली मेरा भी। एंड 2010 और 2011 में शिनचैन को इंडिया में बैन भी कर दिया गया था ड्यू टू सम कंटेंट व्हिच वाज नॉट करेक्ट फॉर स्मॉल किड्स, बट एक दो साल के बाद इस एनिमे को दोबारा से इंडियन प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया विद प्योर कॉमेडी एंड कंटेंट। एंड लास्ट में तुम इस एनिमे को या फिर इस एनिमे के कैरेक्टर को जितना मर्जी भूलने की कोशिश करो, बट यू कांट फॉरगेट दिस लेजेंड बिकॉज ही मेड आवर चाइल्डहुड फुल ऑफ कॉमेडी एंड ऑसम मेमोरीज। नंबर 9, कितरेत्सु। Kitretsu is a show full of entertainment. Sometimes it's compared to Doraemon, and that's true. Just like Jujutsu Kaisen is similar to Naruto in characters. Story revolves करती है around 12 years boy named Kitretsu, जो कि है हमारा सस्ता सेनकु, गुटा गोरिला as सस्ता जियान, टोंगारी as सुनियो, मियोको as शिजुका, and Korosuke as a Doraemon. बेसिकली इसका प्लॉट बेस्ड है अबाउट हिज डेली लाइफ एडवेंचर्स एंड उन्हें वो कैसे टैकल करता है। सो इस एनिमे की लिस्ट में जो लास्ट एनिमे है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसका नाम है डोरेमोन। आई मीन टू से डोरेमोन, क्योंकि डोरेमोन तो बाहर के लोग कहते हैं, इंडिया के तो डोरेमोन ही कहते हैं ज्यादातर। डोरेमोन की जो शुरुआत थी वो हमारे पेरेंट्स के बर्थ से भी पहले थी, जब हमारे पेरेंट्स पैदा भी नहीं हुए थे तब ये शो एयर होना शुरू हुआ था। डोरेमोन टॉट अस सेल्फ डिपेंडेंस, एंड ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस शो को घंटों तक ना देखा हो। एंड बचपन में तो एक टाइम ऐसा भी था कि इस शो के जितने भी एपिसोड थे वो आधे से ज्यादा मुझे याद थे विद डायलॉग्स। एंड डोरेमोन इज अ हाईएस्ट टीआरपी शो, एंड बच्चों से लेके बड़ों तक इस एनिमे से हर कोई परिचित है, आई मीन टू से इंट्रोड्यूस्ड है। सो मुझे पता है कि कई सारे शोज इस लिस्ट में से रह गए हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबी बन जाती। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट, एंड अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, एंड जाओ यार भाई के चैनल को एक बार जरूर विजिट करो, एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। भाई भी वीडियो बनाते हैं ऑन ऑसम टॉपिक्स, एंड अगर ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिए, बिकॉज वी आर नियर टू 70 सब्स। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड एज वेल। वेल देन माय बेस्ट फ्रेंडो, मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।